أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اما من ظلم فسوف نؤذبه ثم يرد الى ربه فيؤذبه عذاباً نقرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من امرنا يسر We are studying uh, Surah al-kahf और सुरफ़ की आयात नंबर सतासी और अठासी हम पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला तुल्कनैन सलाम से मुखातब हैं जो एक बादशाह भी हैं पैगम्बर भी हैं कि उनका सामना एक ऐसी कौम से हुआ जो कि बड़ी सरकश कौम थी और वो अपने सफ़र में बहुत दूर मगरब में इंतहा तक तो पहुँच गए थे उस वक्त की जानी पहचानी दुनिया की और ये सरकश कौम उनको मिली और अल्लाह ताला ने इनको कहा कि तुम्हारे जो जी में आए इनसे सलूक करो हमने तुम्हारे हाथ में दे दी ये चीज़ कि चाहे तो इन्हें माफ़ कर दो चाहे तो उन्हें तकलीफ़ दो अब यहाँ पर ये नज़र आता है कि अल्लाह ने एक से ज़्यादा तकदीरें इंसानों के लिए बनाई हैं और इन तकदीरों को हजरत सुल्कनैन के हाथ में दे दिया और एक तरह से उनका भी इम्तहान था कि वो क्या करते हैं सरकु कौम के साथ क्या उसे माफ़ कर देते हैं या उससे सख्ती से पेश आते हैं और हजरत सुल्कनैन क्या फरमाते हैं वो कहते हैं कौला उन्होंने फ़रमाया अम्मा मन इनमें इन में से जो जुल्म करेगा फसऊ फन हो तो उसको तो हम अजाब देंगे तकलीफ़ देंगे सज़ा देंगे सो रद्द इला रब ही उसके बाद वो लौट के जाएगा अपने रब के पास अगली दुनिया में फ़ैुअज़्ज़ब हु अजाबन नुकरा, और उसका रब उसको ऐसा अजाब देगा जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं अब ये बात उन्होंने क्यों कही इसलिए कि अल्लाह ताँ जो भी इनामात हैं या जो भी आज़ाब हैं और सज़ाएँ हैं उनका हम तस्वर नहीं कर सकते अब कैसे नहीं कर सकते आम सी मिसाल देता हूँ अगर मैं आपको एक हज़ार साल पीछे ले जाऊँ और वहाँ के लोगों के सामने बैठा दूँ और कहीं कहूँ कि इन लोगों को ज़रा समझाइए कि ये मोबाइल फ़ोन क्या होता है और लैपटॉप और कंप्यूटर क्या है तो आप भरपूर कोशिश करके देख लें उन लोगों को समझ नहीं आएगी क्योंकि तो उनके साथ अभी तक बिजली का तसवर नहीं है तो वो मोबाइल को क्या समझेंगे वो कंप्यूटर और लैपटॉप को क्या समझेंगे इंटरनेट को क्या समझेंगे तो हमारे जहन और ख़्यालत महदूद होते हैं अपने वक्त के लिहाज से अपने अहद के लिहाज से अपनी गिरदनवा की आ, के हालात के लिहाज से इसी तरह जो मुस्तबिल में पेश आने वाला है जो जन्नत में है जो जहनम में है उसका एक अमूबी अंदाज़ा तो हम लगा सकते हैं कुरान हमको बताता है यहाँ की दुनिया की मिसालें दे के लेकिन जो हकीकत है वहाँ पे अजाब की और जो हकीकत है वहाँ पे सवाब की उन दोनों का हमें पता सही नहीं चल सकता सिर्फ वहाँ जा कर ही पता चलेगा फिर हजर जोकन फ़रमाते हैं वह अम्मा मन आमना व आमिलान और जो शख्स भी ईमान लाया और उसने नेक अमल किया फ़लाहू जज़ा अनुस्न उसको हम अच्छा सिला देंगे वसनकूलहू मिन अम्रा यसरा और उसको हम आसान कामों का कहेंगे उसके लिए मुश्किल नहीं पैदा करेंगे उसके लिए सख्ती का सामान नहीं बनाएंगे। अब यहाँ गौर कीजिए कि अल्लाह ताला तो ने कहा था या तो माफ़ कर दो या सजा दो और हजरत जोकन ने दोनों चीज़ों को लिया कि जो बुरा है उसको सजा दूँगा जो अच्छा है उसके साथ भलाई से पेश आऊँगा तो ये चीज़ भी समझ आती है कि जब अल्लाह ताला एक से ज़्यादा तकदीरें बनाता है तो उसमें आपको ये इजाज़त भी देता है कि कभी आप हालात के मुताबिक एक तस्दीर तकदीर पर चलें और कभी दूसरी तकदीर पे चलें कभी आप बेहतरी के लिए एक रास्ता अख्तियार करें और उसके बाद आपको जब नज़र आए कि वो दूसरे मामलों में या दूसरे लोगों के साथ वो रास्ता मुनासिब नहीं तो आप दूसरा रास्ता अख्तियार कर लें लेकिन यहाँ एक लम्हे के लिए रुक के ये सोचना है कि इस सारे मामले में, में एक और सवाल उठता है और ये सवाल मुसलमान भी उठाते हैं और गैर मुस्लिम बहुत उठाते हैं वो कहते हैं कि आखिर अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो लोगों को आज़ाब देता है उन्हें तकलीफ़ में डालता है क्या वजह है कि अल्लाह ताला लोगों के साथ सख्ती से पेश आता है वो तो रहमान और रहीम है तो सबको माफ़ क्यों नहीं कर देता तो इसका जवाब जो है वह क़ुरान मजीद में सराह हूद में जो ग्यारहवीं सुरा है उसकी एक सौ सत्तरवीं आयत में है और अल्लाह ताला फरमाता है व मकान रबों का लियुहल कल्खुरा बिजुल वाहल है मसलहूम और तुम्हारा रब कभी भी किसी इलाके के लोगों को उस वक्त तक तबाह नहीं करता सिर्फ़ उनके कुफ्र की वजह से जब तक कि वो एक दूसरे के साथ भलाई से पेश आ रहे हों तो ये अल्लाह ताला ने एक असूल वज़ा कर लिया जिसको सुन्नतुल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर किसी इलाके के लोग कुफ़्र कर रहे हैं अगर वो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं लेकिन आपस में मसलह़ून है आपस में सुलह जोई से रह रहे हैं एक दूसरे का ख़्याल कर रहे हैं एक दूसरे के हक नहीं मार रहे एक दूसरे के हकूक़ को पामाल नहीं कर रहे तो अल्लाह उनको सज़ा नहीं देगा क्यों इसलिए अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप उसका इनकार कर दें लेकिन अगर आप उसकी मखलूक के साथ बुरी तरह पेश आएँ तो फिर वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि अल्लाह ताला की इसी असूल की वजह से आज दुनिया में वो सब कुछ हो रहा है जिसको हम देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हमारे यहाँ ऐसे ममालिक हैं जहाँ अल्लाह के दीन का बोलबाला है जिनके झंडों पे अल्लाह का नाम लिखा है कलमे लिखे हैं जहाँ इस्लाम के नाम पे पूरे पूरे निज़ाम बनाए गए हैं लेकिन वहाँ लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है लोगों के हकूक़ को पामाल किया जा रहा है और इस वजह से अल्लाह ताला की आजमाइश और अल्लाह ताला की सज़ा उन कौमों पर आ रही है दूसरी तरफ वो कौमें हैं जो अल्लाह पर यकीन नहीं करती जो कि दीन का मजाक उड़ाते हैं लेकिन आपस में एक दूसरे के हकूक़ को पामाल नहीं करते वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं वो एक दूसरे के साथ सुलह जोई से पेश आते हैं तो अल्लाह ताला की आजमाइश और अल्लाह की सज़ा और पकड़ उन पर नहीं आती और ये अल्लाह का असूल ये कुरान में है ये वो चीज़ नहीं जो कुरान से बाहर हो इसको समझना भी इतना मुश्किल नहीं है और यहाँ एक और चीज़ वाजे हो जाती है जो कुरान में भी बहुत साफ साफ बयान की गई है हमारे यहाँ माशरे में सी है, सी है, बहुत सी गलत फहमियाँ हैं बहुत सी उलझने हैं बहुत सी नासमझी है लोग कभी कहते हैं जी के माशरे के अंदर मर्द है, औरत मज़लूम है ये एक ऐसा माशरा है जहाँ पर मर्दों का तसलत है या फिर वो कहते हैं जी इस माशरे में अमीरों का तसलत है इस माशरे में किसी ख़ास कौम का तसलत है यहाँ पे जो आपके आ, लोग हैं जिनकी तादाद कम है जो माइनॉरिटीज़ हैं जो ज़िम्मी हैं उनके साथ ज्यादती होती है किसान के साथ ज्यादती होती है गरीब के साथ ज़्यादती होती है हकीकत यह है कि माशरे में दो तरह के लोग होते हैं एक वो जो ताकतवर और दूसरे वो जो, जो कमज़ोर और ताकतवर कमज़ोर का इस्तेसाल करता है अब ये ताकतवर अगर मर्द है और कमज़ोर औरत है तो नज़र ये आता है कि मर्द औरत का इस्ताल कर रहा है लेकिन इसी माशरे में आप गौर कीजिए जहाँ औरत ताकतवर है तो वो दूसरी औरत का इस भी करती है वो मर्द का इस भी करती है क्योंकि माशरे के अंदर सोच ये बनी है कि अगर मैं ताकतवर हूँ तो मैं अपनी ताकत के बलबोते पर दूसरे का हक हाँ भी छीन लूँगा ये वो गलत सोच है जिसकी वजह से माशरा इतनी मुसीबतों से दो चार है ये कोई मर्द औरत का झगड़ा नहीं है ये अमीर गरीब का झगड़ा नहीं है ये पंजाबी पठान सिंधी बलोची का झगड़ा नहीं है ये ताक़तवर और कमज़ोर के दरमियान एक कशमकश है जो अजल से चली आ रही है और अल्लाह ताला की किताब कुरान में इसी चीज़ को बार बार बताया गया है कि जो ताकतवर है उसकी ताकत की हदूद मतिन कर दी अल्लाह ने और उसको कह दिया कि तुम्हारे पास जो ताकत है ये मेरी इमानत है ये मेरी तरफ से तुम्हें तकवीज़ की गई है इसको तुमने सोच समझ के इस्तेमाल करना है मैं इसका हिसाब लूँगा और जो कमज़ोर है उसको कहा गया है कि इज्जत दो उसको ताकत दो उसको कमज़ोर रहने ना दो जो यतीम है उसके बारे में कहा गया है कि यतीम करो अहतराम करो यतीम का कर। यतीम आगे उठ के खड़े हो जाओ अब एक बच्चा है माँ बाप का साया उसके सर पे नहीं उसकी क्या ऐसी माशरे में हैसियत है कि लोग उसके सामने खड़े हों हु। लेकिन हुक्म है कि यतीम करो उसका ख़्याल करो इसी तरह बेवा है उसका ख़्याल करो इसी तरह गरीब है मजबूर है लाचार है मुसाफिर है बीमार है उनका ख़्याल करो उनकी मदद करो अपने से अपने माल से अपने वक्त से अपनी ज़िंदगी से उनको टाइम दो और ये सब लिए किया गया है ताकि वो कमज़ोर ना रहें उनका इस्तार ना हो और इस चीज़ को अगर हम समझ लें तो मेरे हाल में माशरे में बहुत सी बुराइयाँ ख़त्म हो जाएँ और जो माशरे में कमज़ोर तबके हैं जो हमारे यहाँ अकलीतें हैं जो हमारे यहाँ औरतें हैं किसान हैं दहकान हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं ये सारे अलग अलग अपनी जंगें लड़ रहे हैं बजाय इसके कि ये सब यकजा हो जाएं और मिल के ये सोचें कि यहाँ तो ताकतवर के ख़िलाफ़ कमज़ोर ने खड़े होना है तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के ज़िंदगी के और माशरे के हर हिस्से में आपको साथी मिल जाएंगे जो आपके साथ खड़े होंगे और हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे बजाय इसके कि हर कोई अपनी डेढ़ डेढ़ ईंट की मस्जिद बना के खड़ा है कि ये औरतों के हकूक़ की बात हो रही है ये किसानों के हकूक़ की बात हो रही है ये पश्तून कौम के हकूक़ की बात हो रही है ये बलोच के हकूक़ की बात हो रही है और असल मसला क्या है कि आपके यहाँ जो ताकतवर है चाहे वो औरत है चाहे वो ईसाई है चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है चाहे वो सिंधी है बलोची है पठान है वो इससाल कर रहा है कमज़ोर का इसमें किसी किस्म का कोई और मामला नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ ये कि इंसान के हाथ में जब ताकत आती है तो वो बेकाबू हो जाता है और यही हमें नज़र आता है कि हज़र जुल्कन उस ताकत का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने उस ताकत को जो अल्लाह ने उन्हें दी इंतहाई सही तरीक़े से इस्तेमाल किया और अब यहाँ से अगली बात चलती है कि सही तरीका और इंसाफ क्या है और इंसाफ़ के जो असूल अल्लाह ताला ने कुरान में वज़ा किए हैं यकीन करें दुनिया की किसी मज़हबी किताब में किसी और इल्हामी किताब में किसी गैर इल्हामी किताब में किसी फ़लसफे क़ानून की किताब में इतनी खूबसूरती से इंसाफ़ को बयान नहीं किया गया जो कुरान ने किया है और कुरान मजीद की चौथी सूरत है एक सौ पैंतीसवीं आयत हैं अल्लाह ताली फरमाते हैं बिसमी يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلو او تغرزوا فان الله كان بما تعملون خبيرا الله تعالى يا ايها الذين امنوا ए लोगो जो ईमान लाए हो कनों कवामी नबिल किस्त इंसाफ़ के लिए डट के खड़े हो जाओ शहदा अल्लाह अल्लाह की खातिर गवाही दो अल्लाह के गवाह बन जाओ जिस इंसाफ़ के कटहरे में आपको लेके जाते हैं जी जो फ़लाँ बंदे ने आपको बुलाया कि आप उसके हक़ में गवाही दें तो अल्लाह ताली क्या कहता है शहदा अल्लाह अल्ला के लिए गवाही दो वलूअलाफम चाहे वो तुम्हारे अपने नफ्स के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो अपने ऊपर भी गवाही दो हाँ मैंने ग़लती की मैंने ग़लत मोड़ मोड़ा मैं देख नहीं रहा था मैंने एक्सीडेंट कर दिया मेरी गलती है अपने ऊपर अविल वालदे ना और अपने माँ बाप पर वाला ना और अपने रिश्तेदारों पर यही तो सारा मसला है हम इंसाफ चाहते हैं लेकिन सिर्फ अपने लिए अपने वाले रिश्तेदारों के लिए अगर हमारे वालदे से रिश्तेदारों से या हमसे कोई गलती सरजद हो जाए तो हम उसे नहीं मानते हम वकील करके महंगे से महंगा वकील करके चाहते हैं कि अपनी जान छुड़ाएं और दूसरे बंदे को ऊपर इल्जाम डाल दिया जाए और अल्लाह ताला कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे बल्कि वो कहता है इन यकुन गनीन और फकीरन चाहे कोई अमीर हो या गरीब तो तुमने अमीर के साथ भी ज्यादती नहीं करनी और ग़रीब के साथ भी ज्यादती नहीं करनी ये नहीं कहना ये अमीर है तो मैं इसके हक में दो गवाही दूंगा ये गरीब है तो इसके हक में गवाही नहीं दूंगा ये भी नहीं कहना कि ये अमीर है तो मैं इसके ख़िलाफ़ गवाही दूंगा इसके सा साथ इंसाफ़ नहीं करूंगा क्योंकि अमीर तो हैं ही बुरे इनके पास तो सब कुछ है ना अल्लाह का दिया हुआ कुछ छीन लो इनसे और ये भी नहीं कहना कि ये गरीब है उफ इसके ऊपर तो पहले ही बुरे हालात हैं तो चलो अगर इसने चोरी कर दी कतल कर दिया Uh, कोई डाका डाल दिया तो इस बेचारे की मदद कर दी जाए इसको सजा ना हो नहीं क्यों इसलिए उला बेह अल्लाह उन सब से ज़्यादा आगे होना चाहिए तुम्हें अल्लाह का कानून अल्लाह का हुक्म तुम उसको देखोगे या अपनी हमदर्दियाँ देखोगे गरीब के साथ या अपना बोझ देखोगे अमीर के साथ फ़ला हवा कितनी खूबसूरत बात की ये आपको किसी कानून की किताब में भी शायद ना मिले फ़ला हवा और अपनी दिल की ख्वाहिशात के पीछे मत चलो अपनी आर्जुओं के पीछे मत चलो अनतादिल जब तुम अदल करने वाले हो वरना तुम अदल नहीं कर सकोगे अगर तुमने अपने जहन की सोच और अपनी दिली ख्वाहिशात और अपने जज्बात के मुताबिक फ़ैसले किए फिर तो तुम अदल नहीं कर सकते व इन तल अत तो रिजु व इन लाका के माता और अगर तुम अपनी गवाही को छुपाओगे या बदलाओगे तो जान रखो कि अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है तुम दुनिया को तो धोखा दे सकते हो लोगों को तो धोखा दे सकते हो लेकिन अल्लाह ताला सब जानता है और मेरा ये ख्याल है कि अगर शराय कहाफ में हज़रत जुल्कन अलैहिस्सलाम की कहानी को पढ़ते हुए हम इन दो आयात को भी जहन में रखें शरा ग्यारह सराह हूद की एक सौ सत्तरवीं आयत और चौथी सूरत की एक सौ पैंतीसवीं आयत इन अगर रख के साथ पढ़ा जाए तो हमें सब समझ आ जाती है कि हजुलकन की कहानी में अल्लाह ताला हमें क्या सबक देना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं और इंशाल्लाह कल हम हजुलकैन आल साम के साथ एक और सफ़र पे निकलेंगे वो मशरक़ की तरफ़ जा रहे हैं वो मशरक़ी इंतहा में पहुंच रहे हैं और देखेंगे वहाँ क्या होता है और वहाँ जो होता है या जो नहीं होता उसका हम पे क्या असर है और हमारे ज़माने हमारे अहद और हमारी ज़िंदगी में उससे क्या सबक हासिल किया जा सकता है तब तक के लिए इजाज़त दें तो हमें याद रखिएगा अल्लाम वरहि वर्का